नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, घर और व्यापार में तरक्की के लिए चुपचाप यहाँ रख दें एक सुपारी, फिर देखें चमत्कार। दोस्तों, जब सुपारी की विधिवत पूजा की जाती है तो वो चमत्कारी हो जाती है। अगर आप इस चमत्कारी सुपारी को हमेशा अपने पास रखते हैं तो जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं रहती। पूजा की सुपारी अलग और खाने की सुपारी अलग होती है। खाने की सुपारी बड़ी और पूजा की सुपारी छोटी होती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सुपारी के कुछ अचूक उपाय, जिससे आप मालामाल बनेंगे, साथ ही साथ आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। तो सबसे पहले है कि पूजा की सुपारी पर जनेऊ चढ़ाकर जब पूजा की जाती है तो ये अखंडित सुपारी गौरी गणेश का रूप बन जाती है। इस सुपारी को तिजोरी में रखने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और सौभाग्य आने लगता है। पूजा में इस्तेमाल की गई सुपारी को तिजोरी में रखना भी लाभदायक होता है। सुपारी को धागे में लपेटें और अक्षत कुमकुम लगाकर पूजा कर लें। पूजा करके तिजोरी में रखी गई सुपारी बहुत लाभदायक होती है। दोस्तों, व्यापार में तरक्की के लिए सुपारी बहुत सहायक है। माना जाता है कि शनिवार की रात पीपल के पेड़ की पूजा करके सुपारी और उसके साथ एक रुपए का सिक्का रख दें। अगले दिन उस पेड़ का पत्ता तोड़कर लाएं और उस पर सुपारी रख दें। इसे अपनी तिजोरी में रखें, इससे व्यापार में बढ़ोतरी होती है। पान का पत्ता रखें, उस पर सिंदूर में घी मिलाकर स्वास्तिक बनाएं और उस पत्ते पर कलावे में लपटी हुई सुपारी रखकर पूजा करें। ये उपाय घर में सफलता के द्वार खोल देता है। अगर आपका कोई काम बनते बनते रह जाता है या आपको किसी कार्य में असफलता मिल रही है तो जब भी उस कार्य को करने जाएं, एक लौंग और सुपारी अपने पास रख लें। काम के समय लौंग को अपने मुंह में रखें, उसे चूसते रहें। सुपारी घर आने के बाद वापस गणेश जी के सामने रख दें, इससे रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, एक और उपाय है, सुपारी को चांदी की डिबिया में अबीर लगाकर किसी भी पूर्णिमा के दिन पूजा घर में रख दें। घर में मंगल कार्य जल्दी होंगे। हल्दी कुमकुम और चावल लगाकर सुपारी पर मौली लपेटें। किसी भी गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी मंदिर में छुपकर इसे रख दें और इससे अविवाहित कन्या की शादी के योग बनते हैं। जब रिश्ता पक्का हो जाए तो सुपारी को शादी तक घर में रखें और फिर इसे जलाशय में विसर्जित कर दें। अगला उपाय दोस्तों, कि अगर घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो, उसे निर्विघ्न संपन्न करना है तो सुपारी को बोलें और लाल कपड़े में बांधकर छुपा दें। जब कार्य संपन्न हो जाए तो ये सुपारी किसी गणेश मंदिर में जाकर रख दें। घर से अगर कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहा है तो उसके सकुशल वापस आने के लिए तुलसी के गमले में सुपारी गाड़ दें और जब वो वापस आ जाएं तो इसे धोकर किसी मंदिर में चढ़ा दें। और दोस्तों, सुपारी को 7 बार अपने ऊपर से उतार कर हवन कुंड में डाल दें, इससे हर तरह की बला टल जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे सुपारी के उपाय। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए जुड़े रहे चमत्कारी टोटके के साथ।